उस कैंप में आगे वो किया। 28 अप्रैल को गोल्डन कार्ड वितरण हुआ। अकलपुर में हमने 5 मई को प्रोटेस्ट किया ममता बनर्जी के खिलाफ गेंसू में। उसके बाद फ्लाई मंडाव उसके मंडल अध्यक्ष को दायित्व दिया और वहां के जो टीम थी पूर्व विधायक चौधरी सुखनंदन जी, बीडीसी, डीडीसी और वहां के कुछ सम्मानित गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो 5 जून को हमें इम्यूनिटी बूस्टर, पहले 9 वैक्सीनेशन सेंटर थे, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या और बढ़ गई, जिसमें से जम्मू जिला ग्रामीण में 19 वैक्सीनेशन सेंटरों में जाके हमारे त्राल के वाइस चेयरमैन अर्केश पंडिता जी थे, उनको श्रद्धांजलि युवा मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम हुआ, जिसमें उनको श्रद्धांजलि का सदस्य मन अर्पित किए गए, उनका समापन हुआ। 19 जून को प्रदेश का कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें आपने विस्तार से जो कार्यक्रम हुए थे उसका आपने जानकारी ली। वहां पे सभी जिला अध्यक्ष मौजूद थे, तो आपने उसमें से जो प्लस वहां पे आपने एक निर्देश दिया था कि अपने अपने जिला से 500 प्लस वहां से सिग्नेचर होने चाहिए थे, वो आपको उस इंटर जो रिश्ते जहाँ पे लोगों की ज्यादा आवाजाही थी वहां पे हमने सैनिटाइजेशन करवाया वहां पे। तो उसके बाद हॉस्पिटल में भी हमारा भारत जनता युवा मोर्चा आज इस प्रदेश कार्यकारिणी में उपस्थित जम्मू पुंछ लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी को के ये जो हमारा मोर्चा है सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है। हमारे प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में ही कहते हैं कि इस देश का 63% युवा जब ये कोट करते हैं तो तब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस राष्ट्र निर्माण के लिए, इस समाज निर्माण के लिए एकमात्र संगठन, बाकी भी राजनीतिक पार्टियों के बहुत से संगठन हैं लेकिन उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से है हम सब भली भांति जानते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से परिपक्व बनता है और वो देश की आने वाली हमारी जो लीडरशिप है उसका काम करता है। आज अध्यक्ष हमारे श्रीमान जगत प्रकाश जी नड्डा इसी युवा मोर्चा से निकल करके गए हैं, राजनाथ सिंह जी इसी युवा मोर्चा से निकल करके गए हैं, रविशंकर प्रसाद आज अभी जो हाल ही में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने कुछ दिन पहले, वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकल कर गए हैं। ऐसे हजारों कार्यकर्ता, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो भी हमारे वक्त में जनरल सेक्रेटरी होते थे, आज जो हम पीछे रक्षा मंत्री रहे अब उनके पास कोई दूसरा प्रभार आया, श्रीमान किशन रेड्डी जी युवा मोर्चा के महामंत्री हुआ करते थे, जब मैं अध्यक्ष था तब ऑफिस बेरर की टीम, जिला के प्रधान, कार्यकारिणी के सदस्य और कुछ देख रहा हूँ कि कारपोरेटर भी जो है जीते हुए वो भी इस टीम में है और अन्य जो साथी आए हुए हैं। कविंदर जी ने बहुत ही डिटेल में, आपको पता चला ना कि अभी वो कह रहे थे कि समय की कमी है, समय होता तो और भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन समय को मद्देनजर रखते ही हम भी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। मुझे अच्छा लगा कल मुझे समय नहीं मिला, मेरे कल 12 से ज्यादा कार्यक्रम थे, सैटरडे था, मैं कल ही पहुंचा पार्लियामेंट से, 12 से ज्यादा कार्यक्रम थे मेरे, लेकिन अरुण जी ने मुझे एक नहीं कई फोन किए, ईएस को भी किए, मुझे पता चल रहा कि वे फोन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा, मैंने बात की उनसे, मैंने कहा थोड़ा समय मिलता तो बात करते हैं, समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैं देख रहा था कि
अरुण जी भी मन से फोन कर रहे थे कि चलो हमारी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता है, अगर सांसद जी भी वहां पर पहुंचे तो अच्छा लगेगा। समय हो ना हो लेकिन समय निकालना पड़ता है। और फिर जो ऐसी भावना से इस तरह से कि भाई मुझे लगा कि नहीं दिल से वो कह रहे थे कि नहीं एक बार शिकवेंद्र जी को भी ऐसा ही किया होगा, बाकी को भी ऐसा ही किया होगा, लेकिन अच्छा लगा कि अपनी जो कार्य करनी है उसमें थोड़ी युवाओं की रुचि बढ़े, नेता उसमें पहुंचे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि उस सबका लाभ